सवा नदी के अवैध खनन पर पुलिस ने पंजाब को जा रहे करीब दो दर्जन वाहन पकड़े हैं। पुलिस ने इन वाहनों के चालान काट करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की अचानक कार्रवाई से क्षेत्र के खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। पुलिसकर्मी पर आधारित टीम ने बातों में नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस ने पंजाब की ओर जा रहे ओवरलोड टिप्परों को पकड़ा। पुलिस पूरा दिन पकड़े गए टिप्परों पर कंडा करवाने में जुटी रही, लेकिन पुलिस ने टिप्परों के ओवरलोड के चालान न काटकर माइनिंग एक्ट के तहत ही कार्रवाई की है। स्वान नदी से अवैध खनन कर पुलिस ने पंजाब को जा रहे करीब दो दर्जन वाहन पकड़े हैं। पुलिस ने इन वाहनों के चालान काटकर करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की अचानक कार्यवाही क्षेत्र के खनन माफिया में हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों पर आधारित टीम ने बाथू में नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस ने पंजाब की ओर जा रहे ओवरलोड टिप्परों को पकड़ा। पुलिस पूरा दिन पकड़े गए टिप्परों का कंडा करवाने में जुटी रही, लेकिन पुलिस ने टिप्परों के ओवरलोड के चालान न काटकर बल्कि माइनिंग एक्ट के तहत ही कार्रवाई की है। एएसपी का कहना है कि टहलीवाल में सवा और कई जगह से 24 के करीब वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। एएसपी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में रेत से भरे टिप्परों के चालान काटकर 2 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की माने तो जिला में अवैध माइनिंग के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई चलती रहेगी। उन्ना जो है इलीगल माइनिंग के प्रति पहले से ही अवेयर है और पुलिस ने पहले भी इस तरह के कैंपेन चला रखे हैं। लास्ट ईयर भी जिला पुलिस उन्ना ने काफ़ी सारे चलान किए थे, तकरीबन 515 के आसपास और 45-46 लाख के आसपास रेवेन्यू जो है वो फाइन के रूप में एकत्रित किया था। इसी कड़ी में पुलिस ने पिछले दो दिनों में तकरीबन 25 से 26 व्हीकल्स के अगेंस्ट जो इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट चलान किया है और तकरीबन 2,08,000 के आसपास जो फाइन जो है वो कलेक्ट किया है। इस तरह के कैंपेन जो है पुलिस इलीगल माइनिंग या ओवरलोडिंग के अगेंस्ट जो इन्वॉल्व है लोग उनके अगेंस्ट पुलिस ऐसे कैंपेन जो है वो आगे भी जारी रखेगी। देखिए पुलिस जो है वो इलीगल माइनिंग को टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे वो ओवरलोडिंग के फॉर्म में हो रही है चाहे वो मैकेनिकल माइनिंग के फॉर्म में हो रही है। पुलिस इस तरह के कैंपेन आगे भी जो है वो कंटिन्यू करेगी।